नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट बी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूं, जिनका नाम था संजय कुमार। इनकी समस्या मुख्यतः फिशुला की थी। इनके रेक्टम एरिया में एक्सटर्नल बॉयस था, जिससे पस डिस्चार्ज होता था। पस बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बदबूदार था। फुंसी में जब भी पस भर जाता था तो इनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। ये इस समस्या से लगभग 7 साल से परेशान थे। इस दौरान ये 2 बार ऑपरेशन भी करा चुके थे, फिर भी ये सफलता नहीं मिली। और ऑनलाइन माध्यम के जरिए जब इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और दवाइयाँ ली, आज 2 महीने के इलाज के दौरान ये 95% तक ठीक हो गए हैं। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो, हेलो। संजय कुमार जी बोल रहे हैं हाँ जी, सर। मैं वीकली हूँ, मैं पहले कानपुर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सर अभी आप कैसे हैं हमारी मेडिसिन लेने के बाद? ठीक है सर, अच्छा हो रहा है। अच्छा सर, कितने परसेंट तक आराम हो गया सर आपको अभी? सर मुझे लगभग 95% तक आराम हो गया, 90-95 के आसपास। अच्छा अच्छा सर, अगर कंफर्टेबल है तो बता पाएंगे दवा लेने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मुझे पास हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा अच्छा हाँ जी सर, दवा से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ था सर आपको? नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा सर, हमारे क्लिनिक से आपको वीकली कॉल आता था जानने लगे कि कितना आराम हो गया है, कैसे हैं आप अभी? हाँ हाँ आता था, हर वीक में, मंथ में फोन आते थे मेरे पास। जैसे सर आप सही हो गए हैं, और लोगों को भी हमारे क्लिनिक के बारे में सर बताइएगा। ठीक है सर, अगर सर और कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके। यदि आपको भी पाइल्स फिशर फिशुला जैसे किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि रेक्टम एरिया में दर्द का घंटों तक बने रहना, पेट का साफ ना हो पाना, फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना, सामान्यतः स्टूल का हार्ड आना, या फिर लैटिन के साथ में ब्लड का आना, या फिर आपको रेक्टम एरिया में बॉयल्स होना जिससे पस का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।